अरे भगवान, ये नन्हा सा बच्चा भी भूत बनकर आ गया। अरे अरे, इससे ये पूछ के ये मरा कैसे? हाँ हाँ हाँ, तो तुम मरे कैसे बेटा? मुझे तो बस इतना याद है कि मुझे दस्त लगे थे और बहुत कमजोरी भी लग रही थी। मैं अपनी माँ की गोद में लेटा था, मेरा गला बार बार सूख रहा था। अरे अब तू भूत बन गया है, भूत, भूख प्यास का चक्कर खल्लास क्या? तो तुम बताओ अम्मा, तुम कैसे मरी थी? नंदू की अम्मा, बूरा, सुगना, हम सब एक साथ हैजे से मरे थे। सब ऊपर वाले का खेल है। लेकिन अम्मा, ऊपर वालों ने तो कहा कि तेरी मौत के जिम्मेदार तेरी माँ और बाकी सारे गांव वाले हैं। माँ और गांव वाले, वो भला क्यों हैं? वो बोले कि तुम्हारे गांव वालों ने खुले में शौच करके कुएं, बावड़ी, हेडपंप और ट्यूबवेल सब जगह का पानी गंदा कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें गंदा पानी पीने से पीलिया हुआ है। इसका मतलब मुझे टाइफाइड मतलब मोती झरा भी गंदे पानी से हुआ था। अम्मा तुम्हें भी हैजा गंदा पानी पीने से हुआ होगा क्या? हाँ भैया, इन बीमारियों से तो हर साल कितने लोग मरते हैं। अरे भाई, इतनी सी बात मरने के बाद समझ में आई, हम सब अकाल मौत मरे हैं भैया, अपनी ही फैलाई गंदगी के कारण। जो हुआ सो हुआ, अब तो ये सोचो कि लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारियों से कैसे बचाया जाए। एक ही तरीका है, अपने गांव के लोगों को खुले में शौच करना बंद करें, यानी शौचालय बनवाएं और उसका ही उपयोग करें। अब आप लोग भी अपने घर में शौचालय बनवा लीजिए ना। अरे अनुदान का इंतजार मत करो भैया, जान है तो जहान है क्या? हा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